देश के 26 सांसदों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन सांसदों में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, कर्नाटक से बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े शामिल हैं। संसद का मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की वजह से संसद में बेहद एहतियात बरता जा रहा है। संसद की कार्यवाही में सिर्फ वही सांसद हिस्सा ले रहे हैं जिनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को लोकसभा में लद्दाख मसले पर बयान देंगे। पूर्वी लद्दाख में कई महीने से चीन के साथ तनाव जारी है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। कई दौर की वार्ता होने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। विपक्ष सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं कि सरकार इस मुद्दे पर आधिकारिक बयान दे। इसे देखते हुए रक्षा मंत्री आज 3 बजे लद्दाख में सीमा पर हालात के बारे में देश को अवगत कराएंगे। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कोरोना काल में हो रहे संसद के सत्र में आज से पहले राज्यसभा की कार्रवाई होगी। ऊपरी सदन की कार्रवाई सुबह 9 बजे से 1 बजे तक चलेगी तो लोकसभा की कार्रवाई 3 बजे शुरू होगी जो 7 बजे तक जारी रहेगी। संसद में आज चीन से तनाव का मुद्दा गूंजेगा। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लोकसभा में बयान भी देंगे। संसद की कार्यवाही से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप तक बनाते रहेंगे। कोरोना संकट तेजी से देश भर में फैलता जा रहा है। आज सोमवार से शुरू हुई संसद सत्र से पहले दिन कुल 24 सांसद कोरोना से संक्रमित पाए गए तो इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को सेल्फ आइसोलेशन कर लिया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह को इलाज के लिए पीजीआई लखनऊ में भर्ती कराया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की ओर से लगातार कई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी बिहार को करीब 541 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी नमामि गंगे, साफ पानी, रिवर फ्रंट से जुड़े करीब 7 बड़ी परियोजनाओं की नींव रखेंगे और कुछ की शुरुआत भी करेंगे। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कंगना ने ट्वीट करते हुए कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बेसिक समस्या ये है कि मैंने आखिर क्यों मूवी माफिया सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों और उनके ड्रग रैकेट को एक्सपोज किया जिसके साथ उनका बेटा आदित्य ठाकरे घूमता फिरता था। ये मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया और अब वो मुझे फिक्स करना चाहते हैं। दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे रहने वाले 48,000 झुग्गी वालों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिलहाल वो दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे बसी 48,000 झुग्गियों को नहीं हटाएगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रेलवे केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर बात करेंगे और 4 हफ्ते में हल निकालेंगे। प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर बैन लगा दिया है। बताते चले कि डीजीएफटी ने अधिसूचना जारी करके प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है। कई शहरों में प्याज की कीमत 50 रुपए प्रति किलो है। लखनऊ में प्याज, आलू और टमाटर के दामों में भारी उछाल दर्ज किया गया है। 10 दिन में 15 रुपए से ज्यादा टमाटर के दाम बढ़े हैं। बताते चले कि 80 रुपए किलो टमाटर के दाम हो गए हैं तो वहीं 35 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। बाजार में आलू के दाम 70 रुपए किलो है। भारत में कोरोना वायरस महामारी तेजी से फैल रही है। अब तक 80,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और संक्रमितों का आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 83,809 नए मामले सामने आए हैं। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे में 69,292 मरीज ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 49,30,000 हो गई है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से तमाम सख्ती और एहतियात का दावा करने के बाद भी यूपी में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखी जा रही है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 5,208 नए मामले सामने आए। एक्टिव मामलों की कुल संख्या
67,287 है। वहीं प्रदेश में अब तक कोविड-19 से संक्रमण के बाद 2,45,417 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक एक्टिव मामलों की कुल संख्या 87,200 से ज्यादा है, जो लोग पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 1,043 नए मरीज सामने आए। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 15 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना मरीजों की कुल संख्या 33,016 हुई है। 22,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। कोरोना के 429 मरीजों की अभी तक मौत हो चुकी है। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिल के लिए होने वाली परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने ऑनलाइन परीक्षा के प्रवेश पत्र सोमवार को वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए हैं। ये परीक्षा 15 सितंबर को प्रस्तावित होगी। छात्र अपने लॉगिन से प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। जो छात्र अपनी लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड भूल गए हैं, वो अपना विवरण भरकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र समिति के भारतीय स्टेट बैंक की अयोध्या शाखा से क्लोन चेक के माध्यम से निकाली गई 6 लाख की धनराशि को बैंक प्रबंधन ने ट्रस्ट के खाते में फिर से जमा करा दिया है। इसकी पुष्टि एसबीआई के एजीएम एनके सिंह ने किया। जालसाज गिरोह ने फर्जीवाड़ा करते हुए मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के एक खाता धारक के खाते से 2 अलग अलग चेक के जरिए क्रमशः 2.5 लाख और 3.5 लाख रुपए निकाल लिए थे। आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम अब छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम होगा। आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला किया। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में इस फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं। हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं। जय हिंद, जय भारत। तन्मय शर्मा ने देहरादून का नाम रोशन किया है। एनडीए के ऑल इंडिया रैंकिंग में 11वीं रैंक आई है। तन्मय शर्मा को पहली कोशिश में ही सफलता मिल गई है। यूपी के महोबा कांड की जांच के लिए डीजीपी ने एसआईटी गठित कर दी है। क्रशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के बाद शासन ने निलंबित एसपी महोबा मनीलाल पाटीदार पर लगे आरोपों की जांच के लिए यह फैसला किया है। डीजीपी ने इसका आदेश जारी कर दिया। आईजी रेंज वाराणसी विजय सिंह मीना एसआईटी की अध्यक्षता करेंगे, जबकि डीआईजी सलभ माथुर और एसपी अशोक कुमार त्रिपाठी बतौर सदस्य उनका सहयोग करेंगे। एसआईटी को 7 दिन में जांच पूरी कर शासन को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। सहारनपुर में उलेमा ने योगी सरकार के फैसले पहले 5 साल संविदा पर नियुक्ति का समर्थन लिया है। उलेमा का कहना है कि फैसले के बाद लोग ईमानदारी और मेहनत से नौकरी करेंगे, इससे प्रदेश के हालात अच्छे होंगे। हम इस फैसले से सहमत हैं। बुलंदशहर के युवप्रिया अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से नवजात शिशु की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक प्रसव के दौरान डॉक्टरों ने लापरवाही बरती और प्रसूता महिला के साथ मारपीट की। नवजात की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करके बवाल काटा। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया। मेरठ के नौचंदी थाना इलाके में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के मुताबिक नौकरी दिलाने के नाम पर नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार कराया जाता था। पुलिस ने मौके से एक नाबालिग लड़की को छुड़ाकर सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में नाबालिग लड़कियों को भेजा जाता था। बाराबंकी के थाना देवा कोतवाली इलाके में अचानक भगदड़ मचने से मकान की दीवार भरभराकर गिर गई। मलबे में दबने से एक महिला और मासूम की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि बीमार महिला को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई थी। बुलंदशहर के कोविड लेवल 2 हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही से 45 साल के कोविड मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया है। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और अस्पताल प्रशासन को खरी खोटी भी सुनाई। शाहजहांपुर पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का बड़ा भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में बड़े
अधबने तमंचे और उपकरण बरामद करते हुए मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। एसपी एस आनंद के निर्देश पर हथियार फैक्ट्री पर छापा मारा गया। मौके से पुलिस ने भारी तादाद में बने अधबने असलहा और बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। लखीमपुर खीरी में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी लोहिया भवन पर इकट्ठा होकर केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हुए किसान की बहाली, महंगी शिक्षा, निजीकरण समेत कई मांगों को लेकर जिला कार्यालय मुख्यालय पर बैठकर धरना प्रदर्शन दिया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने 8 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद कयूम सहित सभी विधानसभाओं के पूर्व विधायक और सपा एमएलसी शशांक यादव मौजूद रहे। 13 वर्षीय दलित बालिका के साथ गैंगरेप का मामले में पुलिस ने देर रात मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान गैंगरेप के मुख्य आरोपी आसिफ के पैर में गोली लगी है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के दौरान एक दरोगा भी घायल हुआ है। मामले में पीड़िता ने कल शाम गैंगरेप की शिकायत दर्ज कराई थी। कासगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। वहीं बीजेपी कासगंज के जिलाध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी ने बताया कि आगामी 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। इसी के चलते पूरे प्रदेश में आज से 17 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। बदायूं पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने असलहा बनाने के उपकरण और भारी मात्रा में बने अधबने असलहे बरामद कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसएसपी संकल्प शर्मा ने पुलिस टीम को 15,000 रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की। मिर्जापुर में आबकारी विभाग अवैध शराब माफियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। शराब कारोबार को रोकने के लिए आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 35 से 40 शराब बनाने वाली भट्टियों को तोड़ दिया और भारी मात्रा में कच्ची शराब को नष्ट कर दिया। इस अभियान के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रही। आबकारी अधिकारी का कहना है कि 18 सितंबर तक यह अभियान चलाया जाएगा। भदोही में एक मकान से लूट का 20 लाख का कीमती मसला बरामद हुआ है। बदमाशों ने ट्रक चालक को नशीला पदार्थ खिलाकर 1400 पैकेट गोल्डी मसाला को लूट लिया। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर मसाले को बरामद कर लिया। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के एक दुकान से बरामद हुआ है ये मसाला। अलीगढ़ में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मौत की खबर पर परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाहजहांपुर में दबंगों की गुंजाई का मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने युवक को जमीन पर गिराकर बीच और चौराहे पर जमकर पिटाई की है। वहीं मामले का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए हैं। हरदोई के मल्लावा इलाके में आज एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 3 लड़के और 1 लड़की है। वहीं 4 बच्चे सुरक्षित हैं और सभी को समुचित देखभाल के लिए मल्लावा अस्पताल से जिला महिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सैदपुर कला गांव में शराब तस्करों से मुठभेड़ के दौरान एक तस्कर को दबोच लिया, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। वहीं पकड़े गए शराब तस्कर के पास से 40 पेटी हरियाणा माल का देसी शराब, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। सहारनपुर पुलिस ने सोना निकालने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह 4 सदस्यों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग संबल और मेरठ के रहने वाले हैं। लोगों के घर में सोना होने की बात कहकर उनसे पहले पैसे ठग लेते थे और बाद में मौका देखकर रफू चक्कर हो जाते थे। बदायूं जिले से लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ितों के परिजनों का आरोप है कि घर के पास के ही एक युवक ने लड़की से रेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में नशेड़ियों को घर के पास नशा करने से मना करना बीजेपी के स्थानीय नेता को महंगा पड़ गया।
नशेबाज अराजक तत्वों ने बीजेपी नेता पर ही हमला बोल दिया। नशेड़ियों ने बीजेपी नेता से जमकर मारपीट करने के साथ ही उसका सिर भी फोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रुड़की के चौली गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कार और टेम्पो की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। ऐसे में चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। ग्रेटर नोएडा बाथरूम में संदिग्ध अवस्था में सिपाही का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक सिपाही की तैनाती दादरी थाने में थी, इसके बाद वर्तमान में पुलिस लाइन में तैनाती थी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के ताबेश्वर जेल रोड स्थित नर्सिंग होम में इलाज के दौरान 2 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह आक्रोशित परिजनों को शांत करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कानपुर देहात में ठेकेदार की गुंजाई सामने आई है। यहां ठेकेदार ने चोरी के आरोप में गार्डों की जमकर पिटाई कर दी और यही नहीं गार्ड के कपड़े उतरवाकर मुर्गा भी बनवाया। वहीं ठेकेदार की गुंजाई का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया और ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। कानपुर देहात से सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां बैंक हो रहे ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। वहीं हादसे में बाइक सवार बाल बाल बच गया। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के रनिया कस्बे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद के कुछ नामचीन स्कूलों में बाहरी ट्रांसपोर्ट अपनी पेमेंट लेने स्कूल प्रशासन ने उन्हें बंधक बना लिया। जैसे ही ये जानकारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को मिली तो एसोसिएशन के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए और स्कूल के गेट पर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। बता दें कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को बच्चों को स्कूल से घर और घर से स्कूल ले जाने के लिए किराए पर लिया जा रहा था। अपराध के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान में लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें डीसीपी पूर्वी ने वाहनों के फर्जी कागजात बनवाकर खरीद फरकोद करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही फर्जी कागजात और मोहरे भी बरामद किए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि आरटीओ के अधिकारियों की मिलीभगत से गोरख धंधा चल रहा था। वहीं इस मामले में अभी तक और नाम सामने आ सकते हैं। बदायूं के उगेती इलाके में डॉक्टर और पुलिस की बहस में महिला की जान चली गई। दरअसल बाइक और कैंटर की जोरदार भिड़ंत में महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों ने घायलों का इलाज नहीं किया। डॉक्टर की अभद्रता का वीडियो भी वायरल हो रहा है। गुना के धानीपुर थाना इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत हो गई। मामले में सीएम योगी ने आर्थिक सहायता का निर्देश दिया है। पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। सीएम ने विधायक विनय कुमार द्विवेदी से फोन पर जानकारी ली है। फतेहपुर के ललौली इलाके में यमुना नदी में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को खोज निकाला है। परिजनों के मुताबिक कल शाम दोनों बच्चे यमुना नदी में नहाने गए थे।